हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज मैं आपको सिक्स टेंस पढ़ा रहा हूँ, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले आप पांच सेंटेंस पढ़ चुके हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस तक। तो आज आप फ्यूचर कंटिन्यूस पढ़ रहे हो, इस तरह से आपके कंटिन्यूस टेंस पूरे हो जाएंगे। तो इसकी पहचान क्या होती है देख लीजिए। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सिंपली आई वी के लिए, आई और वी के लिए शैल लगेगा, बाकी सब के लिए विल लगेगा। कंडीशन जब आ जाए, आदेश, मजबूरी, दृढ़ विश्वास, झूठी कल्पना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले अगर भाव आते हैं तो आई और वी के साथ विल भी है, बाकी सबके साथ शैल भी, यानी कि ये उल्टे हो जाते हैं जब कंडीशंस आ जाती है। पहला अफर्मेटिव सेगमेंट होता है, इसका रूल देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ पीडीएफ भी बनाकर भेज रखी है, वो देख लीजिएगा। तो पहला फर्स्ट सेंटेंस आपने ले लिया, हम तुम्हारे साथ बाजार जा रहे होंगे, तो आप बनाओगे वी शैल बी गोइंग टू द मार्केट विद यू। सेकेंड सेंटेंस, वह भोजन पका रही होगी, शी विल बी कुकिंग द फूड। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो देखिए, इसका फॉर्मूला इस तरह से आ जाता है बच्चों। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक चीज़ पुट करोगे, प्लस नॉट प्लस बी, बी पीछे आ जाएगा, विल और शैल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। वर्ब की आई एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सेंटेंस लिया आपने, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, वह गीत नहीं गा रहा होगा, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव बनाओगे आप। इंट्रोगेटिव जो है इस तरह से होता है, दो सब तरह से बनाए जाते हैं इंट्रोगेटिव। फर्स्ट वन होता है क्या से शुरू होने पर, अगर वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो विल या शैल सबसे पहले जाएगा। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि सेंटेंस, क्या ये लड़कियां संगीत सीख रही होंगी, तो विल दीज गर्ल्स बी लर्निंग द म्यूजिक। सेकेंड सेंटेंस, क्या हम मैदान में हॉकी खेल रहे होंगे, शैल वी बी प्लेइंग द हॉकी इन द ग्राउंड। मैदान को ग्राउंड बोलते हैं और खेत को फील्ड बोलते हैं। सेकंड वाला, जब वाक्य के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड्स आ जाए तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स को आगे ले आते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, क्या, किसने, किसको, कितना, कितने, कितना, कितनी, कौन सी, ये 11 वर्ड्स होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन द प्राइमरी सेगमेंट ऑफ द ग्रामर। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस ले लिया आपने, हरी अपने गांव क्यों नहीं जा रहा होगा, बीच में क्यों आए, तो क्यों को सबसे पहले ले आओगे आप, वाई विल हरी नॉट गोइंग टू हिज विलेज। सेकेंड सेंटेंस, वह इस प्रश्न को कैसे हल कर रहा होगा, तो कैसे को सबसे पहले ले आओगे, हाउ विल ही बी सॉल्विंग दिस सम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कौन सी फिल्म देख रहा हूँ, इसमें आया बच्चों कौन सी को सबसे पहले ले आओगे, विच मूवी, इसमें कौन सी जो है थे जो वर्ड्स होते हैं उसमें, इसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, वो मैं पहले बता चुका हूँ। विच मूवी शैल आई बी वॉचिंग, कौन सी फिल्म मैं देख रहा हूँ। तो इस तरह से ये आपके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गए। होमवर्क आपको दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए, पीडीएफ से भी नोट कर लेना, इसमें दिया हुआ है, इसमें चाहे इसमें नोट कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस है, वह कल इस समय अपना पाठ याद कर रही होगी। सेकेंड, कल इस समय वर्षा हो रही होगी। थर्ड, कल मोर छत पर नहीं नाच रहे होंगे। फोर्थ, अपनी पुस्तकें रात में नहीं पढ़ रहे होंगे। फिफ्थ, क्या तुम बाजार से कुल्हाड़ी खरीद रहे होगे। नेक्स्ट, वे कल क्या कर रहे होंगे, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, यू हैव टू पुट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस में आपको क्या लिखना है, वॉट लगेगा इसमें, इसमें क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, इसमें पहले लगे, और इस वाले में वॉट लग के फिर विल या शैल लगेगा इसमें। नेक्स्ट नंबर, सेवन नंबर, तुम्हारे मित्र कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे, तो ये क्यों आया, तो वाई से बनेगा ये। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस, वे लड़कियां पिकनिक पर कब जा रही होंगी, कब जा रही हूँ, तो ये कब वाला सेंटेंस कब पे रह जाएगा, वैन विल से बने, वैन विल दोज गर्ल्स। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस आपने कर लिए।
होमवर्क कर लीजिएगा बच्चों अच्छे से। अब तो टेक्स्ट भी शुरू हो गई, मैंने एक चैप्टर टेक्स्ट का पढ़ा दिया है और ग्रामर और टेक्स्ट दोनों चल रही हैं, तो दोनों अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों और कॉपी में बिल्कुल अच्छे से नोट करिएगा होमवर्क। ओके बच्चों।